डायरेक्टर गजेंद्र अहिरे इस फिल्म में एक खुशहाल सीन से आपको जिंदगी के उस दौर में ले जाते हैं जो आपको रो देने पर मजबूर कर देता है। कहानी के बुजुर्ग पात्रों के जरिए गजेंद्र बूढ़े हो चुके माता पिता के प्रति उनके बच्चे ही नहीं बल्कि समाज की उपेक्षित सोच की पड़ताल करते हैं। क्या बूढ़े होने का मतलब नाकारा होना है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या बच्चों और समाज का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता? जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना खून पसीना बहाते हैं, एक समय आने पर बच्चे उनकी जिंदगी और मौत को लेकर इतने पॉलिटिकल कैसे हो जाते हैं? ये सारे सवाल आपको फांस की तरह चुभते हैं। फिल्म में निर्देशक मरीजों के साथ अस्पताल में होने वाले शोषण के मुद्दे को भी रणबीर शौरी के किरदार के जरिए उठाते हैं, तो दूसरी तरफ पुस्तैनी मकान का हिस्सा लेने गए अरविंद के भाई भाभी के चरित्र रिश्तों के बीच आई दूरी की ओर इंगित करते हैं। गजेंद्र की यह मार्मिक कहानी कई जगहों पर थोड़ी धीमी लगती है और आज के दौर की फिल्मों की तरह इसमें दर्शकों को टर्न और ट्विस्ट की कमी भी खल सकती है, मगर रोहित शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। हारे हुए इस शख्स को अपने पहले प्यार से जिंदगी का नया नजरिया तो मिलता है, मगर जब तक वह कुछ समझ पाता देर हो चुकी होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको आंसुओं से तर कर देता है। अभिनय के मामले में अनुपम खेर एक बार फिर अपने नाम को चरितार्थ करते हैं। अपनी भूमिकाओं से प्राण फूंकने में माहिर नेशनल अवार्ड विजेता अनुपम अपनी अदायगी से सारांश की याद ताजा कर देते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों के साथ संघर्ष करते गिरते पड़ते तो कभी उम्मीद की किरण थामते बुजुर्ग की भूमिका में अनुपम बेजोड़ साबित हुए हैं। फिल्म के अन्य किरदारों में रणबीर शौरी का अभिनय कमाल का है। कोमा में जा चुके बेटे के इस पिता का अस्पताल द्वारा शोषण किए जाने के बाद रणबीर की बेबसी का जो गुस्सा फूटता है, उसमें रणबीर अपने अभिनय की गहराई को दर्शा जाते हैं। अंबिका के रूप में महिमा चौधरी की एक्टिंग दिल को छू लेने वाली है। असल जिंदगी में कैंसर की लड़ाई लड़ चुकी महिमा फिल्म में भी कैंसर की शिकार महिला के दमदार किरदार में है। अन्नू कपूर ने दोस्त के रूप में अपनी भूमिका के साथ हर तरह से न्याय किया है। नीना कुलकर्णी छोटे से चरित्र में छाप छोड़ जाती हैं। यह फिल्म जीवन मृत्यु और हमारे फैसलों के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। फिल्म में सिग्नेचर का मतलब एक कागजी दस्तावेज से कहीं ज़्यादा है। यह फिल्म एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है जो अपनी बीमार पत्नी के जीवन और मृत्यु के फैसले लेने के लिए मजबूर होता है। इस फैसले के लिए उसे एक कागज पर सिग्नेचर करने होते हैं। द सिग्नेचर एक भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है। यह फिल्म आपको जीवन के मूल्यों और परिवार के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप एक भावुक फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।